हाय, मैं हूं शेखर रफजियानी। मैंने कहीं पढ़ा था, गुड डीड शुड बी डन विद इंटेंशन एंड नॉट फॉर अटेंशन। पर कुछ लोग ऐसा काम कर जाते हैं जो सिर्फ अटेंशन ही नहीं, काबिले तारीफ होता है। ऐसा ही कुछ किया है पटना के गौरव राय ने, जिनसे मैं आपको आज मिलवाने वाला हूं। हौसला कनेक्ट करने वाला हूं ऑन रेड एफएम इंडिया। हौसला हाई रख। आप सब इन्हें पटना के ऑक्सीजन मैन के नाम से भी जानते होंगे। लास्ट ईयर ये खुद कोविड के विक्टिम रहे हैं, एंड ही वाज गास्पिंग फॉर ब्रेथ। ऑक्सीजन मिलने की डिफिकल्टी इन्होंने खुद फेस की और इसलिए ठान लिया कि कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम इनके शहर में लोगों को ना हो। अपनी सैलरी से इन्होंने 13 ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीद के शुरुआत की है। रोज सुबह अपनी कार में ऑक्सीजन सिलेंडर डाल के वो खुद सबको डिलीवर करते। ऑक्सीजन रिक्वेस्ट की कॉल्स का सिलसिला ऐसा बढ़ा कि गौरव और उनकी वाइफ ने अपनी सेविंग्स और डोनेशंस से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीदे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। और उनकी कोशिश से ही हैज सेव्ड 900 लाइव्स सो फार। वेलकम गौरव राय, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, धन्यवाद। सर, पीपल आर कॉलिंग यू द ऑक्सीजन मैन ऑफ पटना। जिन लोगों को आपने मदद करी है वो आपको सुपर ह्यूमन, एंजल, बहुत से नाम से बुलाते हैं। How is the feeling, sir? सर, हर एक आदमी को अगर सम्मान होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आदमी बसते हैं तो सर ज्यादा दिल से यहाँ से ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा काम किए यहाँ से, और समाज में एक सम्मान मिलता है, अच्छा लगता है। आप जैसे आदमी से शायद मैं कभी बात भी नहीं कर पाता, लेकिन आज किसी चैनल के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा अहोभाग्य है। सर, थैंक यू सो मच सर, आपका काम बहुत बहुत, जैसे आपने कहा कि ये वाला काम नहीं है, ये वाला काम है। जी, ये जी, बहुत जी, ही खूबसूरत बात की आपने। सर, आपने 18 जिलों में, पटना में आपने पर्सनली जाके ये सब सिलेंडर्स, आपने जो लोग होम आइसोलेशन में है वहां जाके आपने पूरा सेटअप कर दिया। आपका डेली रूटीन क्या है सर? मैं किसी कंपनी के लिए काम भी करता हूँ, जनरल मैनेजर ऑफिस में रहता हूँ, तो कोशिश करता हूँ लोगों को बुला के दे दूं सिलेंडर, अपना लोकेशन शेयर कर देता हूँ और वो सिलेंडर आके ले जाते हैं। घर आता हूँ, अगर उसी बीच में इमरजेंसी होता है तो मैं इतना समय लेके जाता हूँ और उस समय का सदुपयोग करते हुए उनको सिलेंडर उपलब्ध करवाता हूँ। सबसे बड़ी बात है रिफिलिंग, तो रिफिलिंग के लिए भी समय निकालना पड़ता है। लोग वापस करेंगे तभी ना रिफिल करेंगे सर, वापस आता है, रिफिल होता है, फिर वो वापस जाता है। समाज में आज के डेट में कोई जाना नहीं चाह रहा है किसी के घर पे, वहां सर मैं जाता हूँ। थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन ईश्वर है, हम ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर ने हर समय मदद किया इस मैटर में। तो रात में भी फोन आता है, फोन कॉल्स आते हैं, बहुत लोगों को ढाढ़स भी देता हूँ कि अभी इतना है, 92 है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप ये चीज लीजिए, ये एक्सरसाइज कीजिए। तो सर, इस तरह से उलझा के रखने पे इस बीमारी को, एक्चुअल में दिमाग से ही जीतने वाली बीमारी है ये। जी, ये बीमारी सर दिमाग की है। और मैंने कुछ लोगों को पिछले विगत 5 दिनों में कुछ ऐसे लोगों को खोया है जिसका कोई ऐसा सिम्टम नहीं था, लेकिन ऑल ऑफ सडन जब उनको पता चला कि मुझे कोरोना हो गया है, कोरोना हो गया है, और कोलैप्स कर गए और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जैसे लोग कहते हैं कि हौसला हाई रखना है, बस वही करना है हमें। सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आप खुद भी कोविड के विक्टिम रह चुके हो। जी, और मैंने सुना है कि आपकी पत्नी को 5 घंटे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर बंदोबस्त करने के लिए। सर, बहुत पैथेटिक से था वो, पुरानी बातों को मैं अब याद नहीं करना चाहता हूँ। और ऑक्सीजन सिलेंडर से सर मैं विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर से डरता था, लेकिन उस एक छोटा सिलेंडर मेरी जान बचा सकता है। और उस दिन से ये काला है सिलेंडर, लेकिन होता है ना, काला है लेकिन दिल वाला है, तो उस तरह से इससे मेरा नाता जुड़ गया सर, इस सिलेंडर से। और हमको सर टाइमली तो नहीं, लेकिन हाँ, मेरी जान बचने से पहले हमको सिलेंडर उपलब्ध हो गया। सर, आपका ये पूरी यात्रा में, ये पूरी जर्नी में आपका सबसे बड़ा सहयोग, सपोर्ट कौन रहा है? सर, हमारी वाइफ, मॉरल सपोर्ट तो रहा सर, कभी भी रात बिरात भी निकलते थे, उसने कभी मना नहीं किया कि क्यों जा रहे हो। और सेकंड में है सर, लोग फेसबुक को आभासी दुनिया कहते हैं, इसी आभासी दुनिया के लोगों ने सर 200, 400, 500, 1000, 2000, मतलब पैसों की कमी नहीं होने दी सर। बड़ा दुख हुआ था मुझे ये जान के कि आपकी आवाज में, आपके गले में कुछ तकलीफ हो गई थी पिछले साल। सर, पिछले साल छोटा सा वाक्य था, पटना में बाढ़ आया था 2019 में, और मैंने
मैंने मतलब मानवता के देख के बिना कैमरा इसके मैं लगातार एक्टिव रहा, बुजुर्ग के लिए, घर के लिए, अपने जो स्कूल से मैं पढ़ा हूँ उनके एलुमनाई के कुछ मदर फादर लोग के लिए मैं रहा। और 28 अक्टूबर को दिवाली था सर, दिवाली के दिन मैं बीमार पड़ा। उसके बाद 29 को मुझे डेंगू डिटेक्ट हुआ और 30 तारीख को मेरा जन्मदिन था, तो मैं पारस में भर्ती हुआ। तो डेंगू से तो मैं ठीक हो गया, लेकिन डेंगू के बाद होता है ना सर सर्वाइकल प्रॉब्लम, धीरे धीरे करते करते एक बीमारी और मेरी आवाज पूरी चली गई। तो मैंने बीच में तो ऐसा हो गया था सर कि मैं एकदम ठान के निकल गया था कि आज नदी में कूद के अपनी जान दे दूंगा। लेकिन उस समय मैंने बहुतों ऐसों को देखा, मेरे दिमाग में आया, यहाँ पटना से आगे एक फतुआ जगह है, वहां पे मैंने देखा कि एक आदमी है, लड़का है, जिसके दोनों पैर कट चुके हैं और वो आराम से सिगरेट पी के मजे से जिंदगी उठाता है। आप सुने होंगे शान में गाना है, आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल्ला है मेरा। तो उसी तरह तो इन चीजों को मैंने देखा और मुझे लगा उनका भी कहना यही था कि बाबू तुमसे भगवान कोई बड़ा काम करवाएगा। और धीरे धीरे सर मेरा वोकल कॉर्ड पैरालिसिस था, जो कि यूरिन इन्फेक्शन के चलते मेरे इस पोर्शन को डैमेज कर दिया। अभी भी मैं 85% ही अपनी आवाज को यूज कर पाता हूँ सर, बट आगेशाली हूँ सर कि ईश्वर ने मुझे इस कठिन परिस्थिति से लड़ना सिखाया और मेरा जीने का नजरिया बदला। लोग की मदद करते हैं और जब अच्छे हो जाते हैं ना सर तो यहाँ पे खुशी होती है और एक केक काट के मैं सेलिब्रेट भी करता हूँ उनके साथ। वाह वाह, कितना कुछ सीखने को मिला सर आपसे। अरे सर, मैं बस हम सब की दुआएं आपके साथ है जी सर, और आपको और शक्ति ऊपर वाला दे जी, और आप सबके और बड़े से बड़े एंजल हो जाओ। थैंक्स कहूंगा सर, मैं एक इंसान हूँ सर, इंसान रहने दिया जाए और किसी के काम आ पा रहा हूँ सर, ये कहीं ना कहीं वो ऊपर वाला हमको इस घड़ी में शक्ति प्रदान कर रहा है। आप लोग जैसे लोगों का प्यार है और बड़ों का आशीर्वाद है सर। गौरव राय जी आपकी जय हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच गौरव राय जी, आपकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। दूसरों की मदद करने का पोटेंशियल शायद हम सब में है, बस चाहिए तो अच्छी नीयत और जज्बा। ऐसे हीरोज की वजह से आज हमारा हौसला है एंड मैं इन हीरोज से आपको जरूर मिलवाऊंगा। मेरे और रेड एफएम के साथ तू भी हौसला हाई रख, बजाते रहो हौसला हाई रख।